हेलो गाइस, वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। और भाई आज का ट्रिप स्पॉन्सर किया है काका ने, और काका ले जा रहे हैं हमें सालासर बालाजी, क्योंकि अनु कह रही थी कि पापा की एक बहुत बड़ी तमन्ना पूरी हो गई। तो उसकी खुशी में हम कहीं तो जाना चाहिए ना। की खुशी में शामिल है लेकिन मैं जा नहीं पा रही, मेरे एग्जाम है भाई। यहाँ से जा रहे हैं मैं और काका, और खरखोदा से चलेंगे हमारे आदरणीय सुधीर भाई। और अक्षत ने खुद कैंसिल कर दिया भाई अपना ट्रिप, ये नहीं जा रहा है, बाबा बनने की फिराक में है ये। दक्ष का मन तो कर रहा है लेकिन इसको कोई ले जा नहीं रहा है, है दक्ष रहा, तो इसके एग्जाम चल रहे हैं दक्ष के, सुधीर तक हुआ था दक्ष की बीमा भाई, पर उसके पेपर चल रहे हैं। बात करिए तो भाई नहा धो लिए हैं, और नहा धो के अब रोटी खा के निकलते हैं भाई। मरवे की चटनी माई फेवरेट, और नूनी घी और दही, रोटी पर रख लेते हैं थोड़ी चटनी भाई। बैग टांग के खा पी के अपना निकल लिए, बैठो भाई। चप्पल भी रख ली है बाई चांस जरूरत पड़ जाए। राजस्थान में पेट्रोल प्राइसेस हैं 109, और हरियाणा में है 96, तो अपनी टंकी यहीं से भरवा लेते हैं, क्यों 13 रुपए का पर लीटर पे हमने नुकसान उठाना है। टंकी भर दे भाई, हाँ पेट्रोल है। भाई पहुंच गए हैं खरखोदा, पहले हम भी यहीं रहते थे, अब लेकिन हम सोनीपत शिफ्ट हो गए। तो भाई सगे ताऊ का घर है यहाँ, एक घर यहाँ एक प्लॉट उधर है। भाई नमस्ते। और भाभी नमस्ते, या भाभी है ये सुधीर भाई हमारे, ये वो गौतम, गौतम नाम है ना भाई, हाँ उधर मूसी वाला कहे भाई इसने। तो अपना था और पानी पी ले भाई, राजस्थान में पानी की कमी है, और कई जने हैं कई 100 रुपया पानी हो जाता, हमने अपना पानी का जुगाड़ कर लिया पहला ही, कैंपर भर के बर्फ गिर के, और यो गिलास भी ले लिया भाई, चल पड़े हैं। राजस्थान में एंट्री कर चुके हैं, लगभग 1.5 घंटा हो गया हमें चले हुए, 11:50 हो गए हैं, 10-15 ही करीब चले थे।
भाई काफ़ी देर के चल रहे हैं तो थोड़ी देर अभी यहाँ रुके हैं, मेन शहर में नहीं रुके, वहाँ भीड़ थी, थोड़ा बाहर निकल के यहाँ रुके हैं। भाई छोटी नहीं मिली, हाँ छोटी कोक नहीं मिली तो बड़ी थम्सअप ले ली। भाई 10:17 पे निकले थे, 1 बज गया है। चले चले का ड्राइवर तो पूछनी है ना, बड़ा पहाड़ी है भाई, देखिए काबली की कर, देखिए खिड़की पर ली भाई, काका इंस्पेक्शन के लिए उतर रहे हैं, मैं तो उतरता नहीं भाई, देख लो काबिलिय की ही है। भाई काका किसान यहाँ भी जाग गया है, कुछ खान पीन के टाइम हो गया, 2:45 हो गए। भाई दही ले ली है और पराठे बाबी ने बनाए रखे थे, ये तो पीवेंगे चाह, मैं पीता नहीं भाई, बोला था ये बैठो। मुखिया ना हो कुछ ना यात्रा हो ना को काम हो ना चीख रहे। भाई जूते निकाल लिए, नंगे पैर हो लिए, यहाँ से नंगे पैर जाएंगे, पार्किंग में गाड़ी लगा दी। भाई यहाँ से पैदल रास्ता कितना है निशु, ज्यादा दूर नहीं है, 150 मीटर है बस यहाँ से। भाई सिर दालू को मैं और वीडियो बनाने वाले बच्ची हैं, मैं तो कर पहली बार आया हूँ यहाँ पे। भाई पूरी भीड़ होती जा रही है जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं, और हर चीज़ की शॉप है, हर चीज़ की, ऐसी कोई चीज़ नहीं तो यहाँ अवेलेबल नहीं है। भाई गुलाब का फूल चढ़ता है श्याम बाबा पे, भाई पूरा बड़ा पंखा लग रहा है, पूरी हवा लग रही है, चल स्लो रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन हवा पूरी दे रहा है। भाई आधे घंटे से लाइन में,
खड़े हैं, हम धीरे धीरे चल रहे हैं आगे आगे। भाई क्या फायदा फिर ये भाई, जो गुलाब भगवान को अर्पण होना चाहिए वो जमीन में पड़ा है, इससे अच्छा तो फिर है नहीं। दो जो चीज भगवान के चरणों में जाए वो जमीन में पड़ी हुई है, ये तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन दर्शन हो गए, बड़ा अच्छा लग गया, मजा आया। सुधीर भाई पता नहीं क्या इंक्वायरी कर रहा है, कुछ पहले दर्शन पहले करने चाहिए करने चाहिए दर्शन बाबा जी। वो प्राचीन मंदिर है, हम ये पूछ रहे हैं काका, नहाने से पहले दर्शन से पहले नहाना या बाद में? अब ये तुम्हारी इच्छा। अरे काई भाई, यहाँ खाटू श्याम जी के तो दर्शन हो गए हैं, अब जाएंगे सालासर बालाजी, उनके वहाँ पे दर्शन करेंगे। अब गाड़ी के पास जा रहे हैं तो पैरों में दर्द हो रहा है, क्योंकि पहुँच में भी मैं आपको दिखाता हूँ कितना किलोमीटर हो गया। ये देखो 6.91 किलोमीटर हो गया और 9000 स्टेप, 9500। भाई ये लोग चाय पी रहे हैं और हम मरिंडा, हम मरिंडा पी के निकलते हैं सालासर। भाई लगभग 8 किलोमीटर चल लिए और ऐसा लग रहा है जैसे नीचे से पैर छुल गए, छुले नहीं है लेकिन लग रहा है ऐसा। भाई सुबह 10 बजे निकले थे और 6:09 हो गई हैं। और भाई अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो अगर आराम आराम से आओगे, रुकते आराम से जैसे हम आए हैं, तो कम से कम 4-4.5 घंटे लगा के चलो आने यहाँ तक पहुँचने के। हमें सोनीपत हरियाणा से यहाँ पे 278 किलोमीटर दूर था, 4.5 घंटे लगे हैं। और भाई जो दर्शन करने का टाइम है कम से कम 2-2.5 घंटे उसके लगा के चलो, जो मेन दर्शन है उसके श्याम कुंड है, उसके दर्शन है, चाहे पैर धोने हैं, 2-2.5 घंटे आराम से लगा के चलो आप, तो टोटल 6 घंटे तो ये हो गए। और फिर भाई 3-4 घंटे जाने के, तो 10 घंटे कम से कम, यानी पूरा एक दिन तो लग ही जाए। भाई एक और इम्पोर्टेंट बात, जहाँ आप गाड़ी से आओ तो पार्किंग में ही अपने चप्पल जूते उतार के आओ, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम क्या है, एंट्री कहीं से और एग्जिट कहीं से है। अब मान लो एंट्री पे आपने जूते या चप्पल उतार दी तो फिर आपको 2 किलोमीटर घूम के वापस अपने जूते लेने जाना पड़ेगा, अगर आपके जूते महंगे हैं तो। अगर 100-150 ही चप्पल है तो आप छोड़ सकते हो, बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप अपनी गाड़ी में ही अपने जूते चप्पल जो भी आप पहन गए उसको उतार के आओ और नंगे पैर चल के जाओ। हालाँकि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा जो लोग फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं ज़्यादा उनके लिए, क्योंकि रास्ता भी कहीं पर वो है, पथरीला सा रास्ता है कई कई जगह, तो पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नहीं है आपके पास कोई भी, अगर आप जूते चप्पल नहीं खोना चाहते हो तो। और आना जाना लगभग ये लगा लो 5 किलोमीटर हो जाएगा आना जाना, आराम से 5-6 किलोमीटर के बीच हो जाएगा। क्या मस्त नज़ारा है देखो, भाई निकलते हैं अब। अभी दौड़ बड़ी आ जा भाई। ये बड़ा टॉप पर चल जाएगी। हाँ सब लिख रही है। हिमाचल की गाड़ी है देखो। भाई खाना खान रुके हैं
भाई साढ़े 9 बजे करीब हम सालासर पहुंच गए हैं और अब यहाँ कुछ रुकने का देख रहे हैं, कोई रूम वगैरह मिलेगा तो अभी आगे लगा लो गाड़ी। भाई रात को कहीं भी जगह नहीं मिली सालासर में, ना ही वहाँ पे आसपास होटल है, ना ही धर्मशाला है। अब यहाँ 2 किलोमीटर दूर आए थे रात को, अब सुबह उठ कर नहा धो लिए तो शाम वालों की धर्मशाला है। अगर आप भी आओ तो मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ की लोकेशन डाल दूंगा, अगर आपको वहाँ जगह ना मिले। बहुत अच्छी साफ़ सुथरी है और सारी फैसिलिटी है, पार्किंग का भी प्रॉपर स्पेस है और जगह भी अच्छी है। भाई मैं तो उठ के ना धो लिया हूँ, ये भी सो ही रहे हैं। भाई निकल लिया अब सालासर के लिए, मौसम एक नंबर का हो गया अब यहाँ। हनुमान जी के हाथों भाई प्रसाद लिया यहाँ से, लड्डू और पेड़े का प्रसाद है ज्यादातर यहाँ पर, हमने लड्डू लिए हैं। भाई छाले हो रहे हैं पैर में, चल आज नहीं जा रहा है, बड़ी मुश्किल से चल रहा हूँ। भाई गाड़ी भूल गया था मैं, वापस आए हैं लेने, अब निकलते हैं घर की तरफ। 2 दिन हो गए हैं, कल 10 बजे निकले थे और आज सुबह के 8 बज गए हैं, तो 3 घंटे तो आराम से लगेंगे पहुंचने में। रास्ते में हरियाणा में एंटर कर चुके हैं, वैसे तो हम 2 घंटे आ रह गया होगा, 2 घंटे का रास्ता रह गया, ना 2 घंटे का, 2 घंटे का रास्ता रह गया। पेट पूजा करने रुके हैं यहाँ। अच्छा ना भाई पहुंच गया घर खुद है और टाइम हुआ है, गाड़ी भी बंद होगी, घोलना ये लग गया अंत। 3 बज गए भाई, कल 10 बजे निकले थे, अभी 24 घंटे मान लिया, मतलब ना खुल रहा 26 घंटे मान लिया। हां अशोक भी आया, 2 धाम देखे आए, हां 2 धाम देखे और सो आए, कोई छोड़े भी किसी से ना पागे, बिरान माटी हो जाए। ओह भाई पहुंच गए फाइनली घर और थकान हो गया ज़बरदस्त, अकेले ने ड्राइव किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ कितना हुआ है। एक बार गाड़ी अंदर कर देते हैं भाई, ये देखो 740.2 किलोमीटर है, 15 की एवरेज दी गाड़ी ने, 750 किलोमीटर अकेले ने ड्राइव किया है। ले जो प्रसाद है, 400 रुपये किलो पेड़े, 400, अच्छा सारा उड़े दुकान लानी है, आधी किलो सुधीर और आधी किलो अपना, आधी किलो मैंने कम रहा है ना, फिर छोड़ दे जगह पापा ने दो है और आधी किलो भाई छक्के खाने ना होता है, टेस्ट प्रसाद है वो कंचो कितली कुछ, हां भाई जरूर प्रसाद देना तो पड़ा है ना, किसको दिया है प्रसाद, एक्सक्यूज मी,
दिस इज नॉट लडरावन ठीक है। सो गाइस आज का व्लॉग यहीं ख़त्म, और काफ़ी लंबा व्लॉग था, मेहनत लगी है भाई, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, कमेंट करना, और जो श्रद्धालु हैं वो कमेंट में अपना प्यार दिखा सकते हैं श्याम जी के लिए, बालाजी महाराज के लिए। जल्दी मिलेंगे अगले व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, ध्यान रखो अपना।